हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजी मॉम सोलन HP। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं पता नहीं कैसे बना रही हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज ऐसी वीडियो भी बनाऊँगी। और कोई आज कोई ब्लॉग नहीं है, सिर्फ आपके साथ मैं ऐसी बात करूँगी कि जिसमें मेरा दिल बहुत पसीज चुका है और मेरे आंसू भी नहीं निकलते, आंसू भी मेरे सूख चुके हैं, मेरे आंसू नहीं रुक आते। अब इतने दिन मैंने दुख सह लिए, अपने मायके की तरफ से भी, ससुराल वालों की तरफ से भी, क्योंकि हादसे पे हादसे हो रही है। स्पेशल मैं अपने जो इंडिया में बाहर भी कहीं भी होंगे ड्राइवर भाई के लिए भी, भाइयों के लिए ही बना रही हूँ। उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ भी ना खेलें, कि दूसरे की ज़िंदगी को साथ भी ना खेलें। आप धीरे धीरे अपनी गाड़ी को अपनी चलाएं और अपनी मंजिल तक पहुँचें, क्योंकि ये जो गाड़ी वाला काम होता है अपने परिवार के लिए आप कमा रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए कमा रहे हैं और अपनी मंजिल तक अपनी गाड़ी पहुँचा लेके जाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। कोई किसी की गाड़ी अपनी होती है, वो कुछ कुछ अपने लिए प्रॉफिट देखते हैं। कैसे हम प्रॉफिट देखने के लिए अपनी गाड़ियाँ ली हुई, आपने ड्राइवर रखे हुए, और आप उनका लाइसेंस भी चेक कीजिए और वो ऐसे भी देखिए कि आप ड्राइवर, जिस ड्राइवर को आप रख रहे हैं वो ड्राइवर कैसा है, कोई नशा नहीं करता, कोई भांग मतलब ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी हुई है कि परसों संडे था, उस दिन मेरा भांजा कंडा घाट सोलन में रहते हैं, जो मेरी ननद वगैरह दोनों नंदे मेरी वहाँ रहती है। तो मेरा भांजा, आजकल गर्मियाँ हैं तो आपको पता ही है पानी कहीं कहाँ से पीने के लिए लाना पड़ता है। तो उनका बच्चा मतलब हमारे जो भांजा है वो अपने बेटे के साथ कंडा घाट के साइड पानी लेके वापस जा रहा था, और अंबाला से कोई सामान लेके एक गाड़ी बड़ा ट्रक था वो लेके जा रहा था। वो उसने आउटसाइड को मतलब जो हमारा भांजा था अपने स्कूटी उस साइड में खड़ी की थी उसने गाड़ी, वो जैसे जाने लगा था ना, तो उसको फ़ोन आया कहीं से, वो फ़ोन सुनने लग गया और साइड में उसने स्कूटी लगा दी और बच्चा भी वहीं खड़ा था। तो पत्नी क्या किया, एक उस ड्राइवर ने, जो ड्राइवर आया उसने हमारे भांजे को ऊपर को लेके आ गया था गाड़ी पर, ऐसे कि ऊपर से तो नहीं गई पर कुछ उसका ना यहाँ का हिस्सा उसके ट्रक में फंस गया और वो घसीटता ही ले गया, आगे तक घसीटता लेके गया। फिर किसी ने वाजे लगाई, किसी ने वहाँ 4 लाइन का काम चला हुआ, फिर बड़ी मुश्किल से दो गाड़ी रुकी। उसको महसूस हो गया वरना उसने ड्रिंक की थी कि कोई नशा किया था, कोई भी ऐसा कोई पता नहीं मुझे, पर ये है कि उसने बहुत बड़ा किसी का घर का चिराग बुझा दिया है। और मेरा ननद का परिवार बहुत दुख से जा रहा है। वैसे उस बच्चे की 3 सिस्टरें हैं, तो देखो आगे से अब राखी का त्यौहार भी आ रहा है, कैसा वो हादसा उनके साथ हो चुका है। कि और उनके परिवार में वो एक ही बेटा था, पर मैं ये बोलती हूँ भाई नहीं होना चाहिए था, और ड्राइवर भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी ध्यान से गाड़ी अपनी साइड चलानी चाहिए थी। वो अगर लर्निंग वाला भी था फिर भी उसको नहीं चलानी थी, जब तक आप परफेक्ट नहीं है तब भी आपको नहीं चलानी चाहिए थी वैसी गाड़ी। और बहुत से हादसे उनके परिवार में, 3 बच्चे ऐसे ही चले गए एक्सीडेंट में, एक मेरी छोटी ननद वो भी बजरी के ट्रक के नीचे आ गई थी, उसका भी वाला हिस्सा ख़त्म हो गया था। तो उस मैं यही बोलती हूँ, देखो पैसा तो चलो मिल जाता है पर जो काम ना पैसा नहीं कर सकता इंसान ही करता है। उनको उम्मीद होती, बच्चों 2 बच्चे छूट गए, एक वाइफ जवान वाइफ बहू हमारी वो ऐसी पीछे राह देखेगी, मेरा पति आएगा मेरे को सामान ले आएगा, बच्चे देखेंगे पापा आएगा। तो मैं ये ड्राइवर भैया के लिए ही बोल रही हूँ, सभी ड्राइवर भैया है जो इंडिया में हमारे, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है ड्राइवर भैया, आप प्लीज़ धीरे चलाएं। आप अपने हो सकता कि आप धीरे भी चल रहे हो पर ऐसे कोई बड़ी तेज़ी से आ रहा हो आपके जान लेके चले जाता है, आपका परिवार बिखर जाएगा। जिनको आप मारेंगे या किसी को हिट करेंगे उनका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, सभी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। और मेरा दिल बहुत टूट चुका है, अंदर से मेरा भी रोना निकलता है पर मेरे आंखों से आंसू सूख चुके हैं। मैंने इतने हादसे देख चुके हैं, मेरे ताजी के लड़की की भी ऐसी ही डेथ हुई थी, मेरे को भी बड़ा वो हुआ था उस टाइम भी, इतना वो
समझनी थी भी क्या होता है, पर अब तो हम आपको समझ लग गए आने फिर भी ड्राइवरी लाइफ क्या होती है, कैसे हम गाड़ी को कैसे दूसरे को ऊपर हिट करके किसी की ज़िंदगी को ले सकते हैं। एक बच्चा, इकलौता बच्चा था वो जिसकी जान चली गई, और लड़का इतना अच्छा था ना कि बस मैं उसके साथ मेरा इतना लगाव था ना, मैं ये इसलिए नहीं कि मैं हमारे बच्चे की डेथ हुई है तब हम जाके मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वाली वीडियो मैं ऐसे भी बनाने वाली थी ड्राइवर भैया के साथ के लिए, क्योंकि देखो हम सड़क पे जाते ना इतने हादसे होते ना मेरे सामने पता नहीं कितने हादसे हुए। मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम से बनाना चाहती थी, और या ऐसा ना सोचे मेरे ननद वगैरह या कोई भी मेरी भांजी वगैरह कि ना मामी जी को आप टाइम लगा आप वीडियो बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे नैन जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये वीडियो पहले भी बनाना चाहती थी, पर मैं ये सोच रही हूँ कि देखो उस ड्राइवर का भी कोई परिवार होगा, अब क्या कर सकते हैं, मेरे को उसको ये समझ नहीं आ रहा। पर मेरे ननद का घर खाली हो गया, मेरी भांजी का अपने भाई के बगैर अकेली रहेगी, इतना रोना आता है, बहुत ज़्यादा आता है रोना। मेरे हस्बैंड का बहुत लाडला था, सभी का बहुत लाडला था, वो बच्चा उनका जो बच्चा है वो भी बीमार है, उसको डायबिटीज है, एक छोटी सी गलती के कारण एक बच्चे की जान चली गई। उसको ये पता नहीं चला कि मैं आउट साइड जा रहा हूँ कि राइट साइड जा रहा हूँ, कि तू नींदा है तो सो जाता कहीं गाड़ी करके, या तू नशे करके गाड़ी चला रहा, कैसे गाड़ी चला रहा, तुमको ड्राइवरी तू कर रहा है तो कैसे। सबसे पहली बात तो जो नीचे के जो होते हैं हरियाणा पंजाब यूपी दिल्ली वाले, इनको गाड़ियाँ हम पहाड़ी इलाके में नहीं आती है चलाने, जब तुम लोगों को गाड़ी नहीं आती है हम पहाड़ियों में इलाकों में चलाने के लिए, तो तुम लोग लाते क्यों है, क्यों चलाते हैं तुम ऐसी गाड़ियाँ। आप सभी ड्राइवर भैया से ऐसी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपना धीरे गाड़ी चलाए, ध्यान से गाड़ी चलाए, अगर आपको नींद आ रही है तो आप साइड में गाड़ी लगा के अपने गाड़ी में सो जाए, पर आप ऐसे नहीं कि अपनी जल्दी जल्दी के चक्कर में आप ऐसे किसी की बच्चे की जान ले जाए। हमारे दिल पे बीती है, मेरे ननद इतनी रोई अपने बच्चे के लिए, भगवान किसी के साथ ऐसा दिल ना दिखाए, ऐसा दिल ना दिखाए। पहले भाई मेरे ननद है उसकी, उनका भी ऐसे हुआ, 2 साल हुए अभी एक बच्चे को गए, उनको अब दोबारा से एक बच्चा फिर चले गया। उनके परिवार में 3 एक्सीडेंट हो गए, ऐसे 3 बच्चे चले गए एक्सीडेंट। एक मेरी छोटी ननद उनका भी ऐसे ही हुआ था, उनके भी 2 बच्चे छूटे हुए पीछे, कितनी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है एक एक्सीडेंट से, कभी सोचा भी नहीं था। पर मैं भगवान से यही विनती करती हूँ, हमारे बच्चे को, मेरे भांजे को, उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, और घर परिवार किसने देखना, यही टेंशन होती है। उन्होंने अभी तो चलो कोई सबके साथ है, उनका परिवार है, कोई ना कोई उनके पास आते रहना बात करने के लिए, बाद में कौन देखेगा। उस बच्चे को वैसी उम्मीद होती है मेरा पापा आएगा, लड़की को भी बड़ी मुश्किल से हमने कल उस बच्ची को संभाला, मैंने अपने ननदों को भी बहुत बोल दी हिम्मत, बोलते हिम्मत कहाँ, कैसे हिम्मत रखे हम, कैसे हिम्मत रखे, मैं बोल रही थी उनको, बहुत बड़ा हादसा हुआ, मुझे आंसू नहीं आते, मेरा दिल बहुत अंदर से ऐसे टूट चुका है ना, मैं दिखावा नहीं करती, जो मेरे अंदर है वो मैं वही बोलती हूँ, मेरे आंसू सूख चुके हैं। अब कुछ मेरे अपने पर्सनल लाइफ की भी टेंशन है, कुछ कहीं कोई टेंशन है, कुछ मेरी एक तबीयत ठीक नहीं रहती खुद की। मेरा बेटा है वो भी बहुत तेज चलाता है बाइक, मेरे को उसकी भी टेंशन रहती है। हमारे परिवार में बहुत गाड़ियाँ अच्छी चलाते हैं, सबकी टेंशन रहती है मेरे को जब ऐसे हादसे होते हैं। मैं अच्छी सोच तो रखती हूँ, भगवान अच्छा करेगा जिसके साथ भी अच्छा करेगा, पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा इकलौता बच्चा था वो, 4 भाइयों का एक बच्चा रह गया था, उसके साथ ऐसा हादसा कर दिया, भगवान ने उसको भी नहीं रखा, पत्नी क्या सजा दी, क्या घड़ी थी वो, जब ऐसा पानी क्या लेने गए वो आते बार कहनी वैसी भी वैसी पड़ी रहेगी।
तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर भैया तक, सभी जो दुनिया में है उस सब तक मेरी वीडियो को शेयर करें। और एक छोटी सी गलती के कारण किसी की ज़िंदगी चली गई, घर बर्बाद हो गए और बच्चा नाथ ही समझो, क्योंकि जो बाप का फर्ज होता है वो बाप ने निभाना था, किसी और ने तो नहीं निभाना था। बहन बहनों के प्रति भाइयों ने भी फर्ज निभाने होते, कौन वो सब करेगा। एक दिन आएगा, दो दिन आएगा, तीसरे दिन को सभी हाथ छोड़ देंगे, ना बाबा हमारे से नहीं होता है, कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं उठाता। तो आप सभी से मैं यही बोलती हूँ कि आप भी एक एक भी ऐसी वीडियो बनाएं ड्राइवर की ऊपर, उनको अकल दे भगवान ड्राइवरों को कि ध्यान से चलाएं आप गाड़ी। अगर एक गलती नहीं करेगा तो दूसरी भी गलती नहीं करेगा, वो इस साइड से जा रहा है तो दूसरा भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से दिमाग का जब सही रहेगा तो वो ठीक रहेंगे। इस बच्चे का क्या कसूर था, ये साइड में खड़ा हुआ था, खड़ी स्कूटी पे ऐसे कैसे, जो उसने जो ड्राइवर था जो उसने साइड वाले सड़क से बाहर स्कूटी को ऊपर लेके चले गया, जो तो अच्छा हुआ हमारा छोटा सा बच्चा, उसको भगवान को निशानी को हमारे पास रखा। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने उस बच्चे को तो हमारे लिए रखा, हमारे मेरे ननदे उनके सहारे, उस बच्चे के सहारे जिंदगी काट लेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मैं आप सभी से सॉरी करती हूँ, और मुझे माफ़ी करना अगर मैंने मेरे से कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना।